नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगिड। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी क्लास में दोस्तों, पिछली वाली क्लास अपन अपनी जो बात चल रही थी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन बात कर रहे थे। आज की क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एंड कर देंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो भी अपनी जो अधूरी जानकारी थी उसको पूरा करेंगे और आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की दोस्तों में पिछली वाली क्लास में अपन बात कर चुके थे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान की तीन उत्पत्ति, जैसे उत्पत्ति पहले वाली उत्पत्ति की बात करी, शिक्षा धातु से आ प्रत्यय लगने से, और इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ये बातें अपन पिछली वाली क्लास में कर चुके थे। मैंने आपको तीन वर्ड बताए थे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के तीन वर्ड बताए थे आपको, एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन मतलब शिक्षा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तीन वर्ड निकले थे उत्पत्ति से, एजुकेयर एजुकेटम और एजुकियर, जिसका अर्थ भी मैंने आपको बताया था। पहला जो एजुकेयर है उसका अर्थ मैंने बताया था आपको विकसित करना। दूसरा एजुकेटम है जिससे दो वर्ड निकले थे, ई और ड्यूको, जिसका मतलब होता है अंदर और बाहर। और तीसरा एजुकेयर था उसका मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना। तो ये सब चीजें मैं उनके मतलब ही बता दिया था मैंने आपको, डिटेल से समझाया था पूरा एक एक करके, एक एक वर्ड मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया था कि एजुकेटर एजुकेशन में एजुकेटम का मतलब क्या होता है, एजुकेयर का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें विकसित करना यानी कि शिक्षा को विकास करना इसमें बढ़ाता है, ये व्यवहार के ज्ञान को बढ़ाता है। अंदर यानी कि अंदर हुए छिपे ज्ञान को बाहर निकालना है, एजुकेटम का अर्थ बताया था मैंने। अंदर आगे बढ़ना तो यानी कि शिक्षा आगे क्षेत्र को अपने जो क्षेत्र रहती है उसको आगे बढ़ाता है। ये सारी चीजें अपनी पिछली वाली क्लास में हो चुकी थी। आज बात करेंगे दोस्तों अपन एजुकेशन साइकोलॉजी की। इसमें बात करते हैं दोस्तों अपन, देखो इधर अब बात आती है दोस्तों सन 1900 की। कब की बात आती है? सन 1900 की। कब की बात है दोस्तों? ये सन 1900 की। सन 1900 में क्या होता है दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में आता है। किस में आता है दोस्तों? शाखा के रूप में आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान 1900 में एक शाखा के रूप में आता है। किसके माध्यम से आता है दोस्तों? किसके माध्यम से आता है ये, यानी कि इस पर प्रयोग कौन करता है? माध्यम का मतलब दोस्तों एक ऐसे मनोविज्ञान से लिया गया है जो शिक्षा मनोविज्ञान को एक शाखा के रूप में लेकर आता है। उसका नाम है दोस्तों थॉर्नडाइक। क्या नाम है दोस्तों? थॉर्नडाइक, ठीक है दोस्तों। और ये कहां पर हुआ था, कहां पर शाखा बनी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। तो ये है अमेरिका, क्योंकि थॉर्नडाइक भी कहां का निवासी था? अमेरिका का निवासी था। क्या हुआ दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, बात कब की है? सन 1900 की। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान, 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में निकल जाता है, यानी कि मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है, एक क्षेत्र आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। किसके माध्यम से दोस्तों? तो वो है थॉर्नडाइक के माध्यम से। किसके माध्यम से? थॉर्नडाइक के माध्यम से। अब सबसे पहले अगर शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान अलग हुआ है थॉर्नडाइक के माध्यम से, तो थॉर्नडाइक क्या हो जाएगा दोस्तों? जनक हो जाएगा। शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक जनक है शिक्षा मनोविज्ञान के, यानी कि विश्व के प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कौन है दोस्तों? विश्व के प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान वो है थॉर्नडाइक। और जनक कौन है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक है। एक बार फिर से सुनना दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहां पर सन 1900 की। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में आता है। किसके माध्यम से आता है दोस्तों? थॉर्नडाइक के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों यहां तक? इसके बाद कहां पर आया? ये अमेरिका में आया, यानी कि थॉर्नडाइक क्या हो गया दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हो गया। और जनक होने के साथ ये क्या हो गया? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर सन 1900 की बात करते हैं अपन दोस्तों। सन 1900 में ही क्या होता है, एक पुस्तक आती है एजुकेशन साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या रहता है दोस्तों? पुस्तक का नाम रहता है एजुकेशन साइकोलॉजी। कब आई दोस्तों? ये सन 1900 में। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? रचयिता
थॉर्नडाइक। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। इस थॉर्नडाइक बुक, जो थॉर्नडाइक ने जो ये बुक लिखी है, इसी में ये सब जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि ये सब जारी जो जो भी जानकारी मैं बताया आपको, ये सब इस पुस्तक में अवेलेबल है। यानी कि इस पुस्तक का जो विमोचन किया था वो किसने किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने किया था। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? थॉर्नडाइक। और इस पुस्तक में दोस्तों, कौन सी पुस्तक में? एजुकेशन साइकोलॉजी में। इस पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात कब की? सन 1900 की। ठीक है दोस्तों, सन 1900 में क्या हुआ? शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान निकल गया। अब आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया दोस्तों? देखो दोस्तों, अब 1900 के बाद चलते हैं, इसके बाद अपन 1920 में आराम से याद हो जाएगा। 1900 के 19 साल बाद 1920 आराम से याद हो जाएगा। जैसे सन 1900 चल रहा है, एक अच्छा सा डायलॉग भी आया था अभी कि 1920 में 2020 में ज्यादा फर्क नहीं है, 1920 का फर्क है। तो आप उसी से याद रख सकते हैं, सन 1920 की बात है। और सर 1920 में ही शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र स्वरूप कहलाया। स्वतंत्र स्वरूप हो गया, यानी कि क्या हो गया? वास्तविक स्वरूप हो गया। यानी कि निश्चित स्वरूप, निश्चित विज्ञान कह सकते हैं आप। क्या हुआ दोस्तों? सन 1920 में, कब? सन कब की बात है दोस्तों? 19 और 20 की। आराम से याद हो जाएगा, 19 और 20। इसका शिक्षा मनोविज्ञान में स्वतंत्र स्वरूप हुआ। हर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो भी राजा होते हैं स्वतंत्र राजा कहलाता है जब वो वहां से अलग हो जाता है। यानी कि जब मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान में जब आया ये, तो यहां से इसका स्वतंत्र स्वरूप कहलाया। किसके माध्यम से दोस्तों? मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक। थॉर्नडाइक टर्मन, सी एच जड, एक स्टेनले हॉल। इन चार मनोविज्ञानों ने मिलके दोस्तों, कौन कितने मनोविज्ञान थे दोस्तों? चार मनोविज्ञान। एक तो थॉर्नडाइक, टर्मन, सी एच जड और स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल का आपको पता होगा बाल विकास में सर्वाधिक योगदान है। थॉर्नडाइक का व्यवहारिक मनोविज्ञान है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है इनके माध्यम से। टर्मन जो है वो बुद्धि में आते हैं और सी एच जड भी इसी में आते हैं। यानी कि इन्होंने मिलके जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस क्षेत्र में आगे काम किया था, उसको आगे बढ़ाया था। यानी कि इस क्षेत्र को सर्वाधिक आगे बढ़ाने का काम किसने किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, सी एच जड ने और स्टेनले हॉल। और इन्होंने ही दोस्तों स्वतंत्र स्वरूप दिलाया था शिक्षा मनोविज्ञान को। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई इसकी 1920 की, इसके माध्यम से थॉर्नडाइक, टर्मन, सी एच जड, स्टेनले हॉल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो पहले आप। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। ये हुई बात दोस्तों किसकी? स्वतंत्र स्वरूप की। और सन 1900 में बात हुई, यानी शिक्षा मनोविज्ञान अलग हुआ और इसके बुक की बात मैंने आपसे कर ली। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ी सी और बात करते हैं दोस्तों
शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा होता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, देखिए दोस्तों पहले बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, तो पहले बात करता हूं मैं अत्यंत लचीली। कैसी होती है दोस्तों? अत्यंत लचीली होती है। मतलब क्या होता है दोस्तों अत्यंत लचीली का? अत्यंत लचीली, आप लचीली से अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लो कोई एक तार है, लचीला तार है, जिस अवस्था में वो पहले रहता है, मान लो ये एक तार है, देखो ये एक तार है, जिस अवस्था में रहता है, अगर मैं इसको मोड़ के यहाँ से लाता हूँ और जैसे यहीं भी छोड़ता हूँ तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यानी कि कैसा है दोस्तों? लचीला है। कैसा है दोस्तों? लचीला है। ऐसी क्या होती है? शिक्षा मनोविज्ञान होती है। जैसे यानी कि आराम से सीखा जा सकता है इसको और आराम से भूला भी जा सकता है, इतना कठिन कार्य नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए कहा गया है कि अत्यंत लचीली है, किसी के भी कोई भी बालक इसको सीख सकता है। मन बुद्धि बालक को भी अगर शिक्षा दी जाए तो दोस्तों उसके दिमाग में भी शिक्षा का प्रभाव हो सकता है। अत्यंत लचीला है, इतना कठोर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में अत्यंत लचीले का मतलब? ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरा बताया गया है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, यह एक कला है और विज्ञान है। क्या है दोस्तों? एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एक परिभाषा बताई थी मैंने आपको कि सीखने और सिखाने की जो प्रवृत्ति रहती है वही क्या कहलाती? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। किसने कहा था दोस्तों ये? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक मनोविज्ञानी का नाम बताया था मैंने आपको कि किसने कहा था, ये परिभाषा थी जब अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ी थी। स्किनर का नाम था दोस्तों। कौन था? बीएफ स्किनर। उसने कहा था कि जो सीखने और सिखाने की जो प्रवृत्ति रहती है ये क्या कहलाती है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अब सीखना क्या है? सीखना एक क्या है दोस्तों? अधिगम है। अधिगम सीखना, यानी कि ये क्या हो जाएगी? इसका विज्ञान हो जाएगा। अपन सीखते कब है? जब अपन उस कार्य को प्रैक्टिकली कर नहीं लेते। जब तक अपन उस कार्य को खुद नहीं कर लेते तब तक अपना सीखना नहीं हो सकता। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको बहुत सारे, जैसे फैन का एग्जाम्पल दिया था, पंखे का एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था कि किस तरह से बालक सीखता है। यानी कि जब तक अपना शैक्षणिक प्रायोगिक मैं खुद नहीं कर लेता तब तक मैं कैसे सीख पाऊंगा? यानी कि अधिगम नहीं होगा। और कला क्या है दोस्तों? अगर जिस कार्य को मैंने सीखा है उस कार्य को मैं अगर आपको बता रहा हूँ या फिर आपको मैं उस कार्य को सिखा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? मेरा टैलेंट हो जाएगा। टैलेंट क्या है दोस्तों? एक कला है। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में अपन इन दोनों वर्डों के बारे में बात कर चुके थे। विज्ञान को यहाँ पर सीखना लिया है जबकि कला को क्या लिया है? सिखाना। यानी कि कला क्या है दोस्तों? सिखाना। क्या है? सिखाना। विज्ञान क्या है? सीखना। सिखाना का मतलब शैक्षणिक करवाना, शिक्षण करवाना, शिक्षण करवाना। और सीखना क्या है दोस्तों? अधिगम। ये एक ही बातें हैं। आया समझ में? कला क्या है? सिखाना। जबकि विज्ञान क्या है? सीखना। जब तक आप वैज्ञानिक तरीके से सीख नहीं लेते ना तब तक वो वैज्ञानिक तरीका कहलाएगा नहीं और अधिगम होगा भी नहीं। और उसी चीज को मैं अगर आपको बता रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? सिखाना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक। इसके बाद प्रकृति की बात करें दोस्तों तो शिक्षा मनोविज्ञान में यानी कि शिक्षा में क्या होता है दोस्तों? इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य, उद्देश्य तथा लक्ष्य फिक्स रहते हैं दोस्तों इसके, यानी कि नियत होते हैं। एक शिक्षा मनोविज्ञान में जिसका जो अपन शिक्षा मनोविज्ञान किसी बालक को अगर शिक्षा दे रहे हैं ना तो उसका एक उद्देश्य हो जाता है, एक लक्ष्य हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं अपन, जैसे मैंने साइंस मैथ लिया तो मेरा लक्ष्य साइंस मैथ के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कला लिया तो मेरा भी कला के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने एग्रीकल्चर लिया तो एग्रीकल्चर के साथ मेरा लक्ष्य और उद्देश्य जुड़ा हुआ है। यानी कि शिक्षा सीखने के बाद आपको उसको आगे बढ़ाएगा, आपके उद्देश्य फिक्स करेगा, टारगेट फिक्स करता है शिक्षा। ठीक है दोस्तों, अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान जरूर है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान जरूर दिया जा सकता है, लेकिन आपका जो उद्देश्य और लक्ष्य वो जो बनाते हैं अपन वो फिक्स नहीं हो सकता, वहां पर टारगेट नहीं दिया जा सकता। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में निकल के आई और शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों उद्देश्य और लक्ष्य फिक्स बताए गए हैं।
कि एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, तभी ये क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने प्रकृति की बात की है। इसके बाद बात करें दोस्तों, जैसे कला की बात कर चुके अपन, इसके बाद विज्ञान की बात कर चुके, आप पहले इसको लिख लो ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। मिटा दूं? देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में पहले भी आपके जितने रीट के कंपटीशन हो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी प्रवृत्ति के बारे में चाहे हो, या फिर उत्पत्ति के बारे में हो, चाहे इसके क्षेत्र के बारे में हो। आज शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास अपन खत्म कर चुके होंगे और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी उसमें अपन रीट के जो सिलेबस अकॉर्डिंग जो चीजें दी गई है उनको पढ़ेंगे। अभी मैं जाते जाते आपको जरूर बताऊंगा कि अपन नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ने वाले हैं और आपसे भी पूछे हैं कि क्या पढ़ेंगे अपन। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। हर एक चैप्टर में मनोविज्ञान में क्या होता है कि हर एक चैप्टर जो खत्म होता है ना उसके एंड में जो परिभाषाएं आती है, परिभाषाएं अलग अलग मनोविज्ञान अलग अलग विचार रखते हैं और वो परिभाषाएं देके चले जाते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, व्यक्तित्व क्या है, बुद्धि क्या है, अधिगम क्या है, ये सब चीजें वो मनोवैज्ञानिक एक परिभाषाओं के रूप में दर्शाते हैं और इसीलिए परिभाषाएं पढ़ी जाती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है परिभाषाओं के लेके, एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको परिभाषाएं तो याद करनी ही है। उससे पहले बात करेंगे दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के एक क्षेत्र के बारे में जो अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के बारे में दोस्तों, जैसे मैं आपको एक टॉपिक का नाम बताऊं, अधिगम। अधिगम क्या है दोस्तों, शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा का ही एक भाग है। यहाँ पर बात करें दोस्तों अपन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, किसकी बात करें दोस्तों, क्षेत्र की, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बात अपन करें। जैसे पहली बात करें दोस्तों अधिगम की, अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना। सीखना कब होगा, जो जब मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा, शिक्षा से क्या होगा, सीखना होगा, और सीख से वैज्ञानिक तरीका समझ में आएगा, इसीलिए अधिगम में क्या है दोस्तों, शिक्षा का एक क्षेत्र है। इसके बाद बात करें दोस्तों व्यक्तित्व, बालक का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह का बालक है, मोटा पतला, उसकी अंदर की रुचियां की अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इसका व्यक्तित्व कैसा है, शिक्षा के माध्यम से ये पता चलती है, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र कौन सा, व्यक्तित्व है, और ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अधिगम अपन पढ़ेंगे, व्यक्तित्व अपन पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों बुद्धि है, इसके बाद बात करें दोस्तों शिक्षा शास्त्र है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसके बाद बात करें दोस्तों सतत मूल्यांकन है, ये इस तरह के क्षेत्र होते हैं किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान अपन अधिगम के में पढ़ेंगे, व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, बुद्धि में पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता में पढ़ेंगे, और इसके बाद सतत और मूल्यांकन में पढ़ेंगे। यानी कि रिलेटेड किससे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है ये। अगर शिक्षा मनोविज्ञान में आपको नहीं पढ़ा था तो आपको इन चीजों में शिक्षा मनोविज्ञान आता तो वहां पर समझ में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परिभाषाओं की, इसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, देखो इधर एक नोट लगाना यहां पर, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल केंद्रित है। यानी कि बालकों पर ही अध्ययन किया गया है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे दोस्तों,
देखो दोस्तों, इतनी सी बात हुई अभी तक शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में बताया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ऑलमोस्ट अपन सब जानकारी। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान में अभी भी कोई डाउट है, या फिर ऐसी चीज आपको जो समझ में नहीं आ रही हो, ऐसे शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, ऐसे वर्ड आपको नजर आ गए हो कि सर इनका मतलब क्या है, तो आप मुझे लिख के जरूर बता सकते हैं। अभी जो आज की क्लास में जो पढ़ाया है दोस्तों प्रकृति के बारे में, कि लचीला होता है या फिर उद्देश्य और समाहित होते हैं, इनमें यह सब चीजें मैंने आपको बताई है। अगर इन चीजों में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जैसे पहले मनोविज्ञान में अपन ने परिभाषाओं के बारे में बात की थी, वैसे ही परिभाषाएं कहां पर आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान के। लेकिन ये जो परिभाषाएं आएगी किस पर आएगी, शिक्षा के बेस पे आएगी। यानी कि माध्यम किसको रखा गया है, यहाँ पर शिक्षा को रखा गया है। मनोविज्ञान को यहाँ पर माध्यम नहीं बनाया गया है, किसको बनाया गया है, शिक्षा को बनाया गया है। देखो पहली परिभाषा अपन बात करते हैं, पहली जॉन लॉक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, जॉन लॉक। इनके अनुसार शिक्षा क्या है, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जिस प्रकार पौधे का विकास, किसका, पौधे का विकास किससे होता है, कृषि से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास किससे होता है, मानव का विकास किससे होगा, शिक्षा से होगा। यानी कि आपको क्या याद रखना है, शिक्षा और कृषि। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में अगर ये परिभाषा आ जाती है तो कृषि और शिक्षा ये दोनों वर्ड जरूर आएंगे। यानी कि मानव का विकास किससे होगा, शिक्षा से होगा, और पौधे का विकास किससे होगा, कृषि से होगा। जैसे मान लो एक पौधा है, उसका विकास करना है अपन को, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी हो गया, कि इसके लिए प्रकाश, कितने प्रकाश की जरूरत होती है, इसके कितने पानी मुझे रखना है, इसके एनवायरमेंट क्या है, किस यहाँ पर किस जगह पे मुझे रखना है, ये सब चीजें डिजर्व करती है दोस्तों कृषि को। यानी कि इसका जो भी अपन लालन पालन करेंगे उस पौधे का, वो इस पौधे का भविष्य बताएगा कि ये पौधा अच्छा होगा, कितना बड़ा होगा, ये फल देगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें आएगी। ऐसे ही अगर मानव का विकास करना है या बालक का विकास करना है, इसके लिए जरूरी क्या है दोस्तों, शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बालक का पूर्णतया विकास नहीं होगा। अगर मनोविज्ञान की बात करें और शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, तो मनोविज्ञान से आप विकास तो कर सकते हैं, लेकिन अधूरी चीजें रह जाएंगी शिक्षा से। शिक्षा से बालक का पूर्णतया विकास, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में पहली परिभाषा। अब देखो दूसरी परिभाषा की बात करते हैं अपन। दूसरी परिभाषा है दोस्तों रूसो की। इसके बाद परिभाषा है दोस्तों प्लेटो की। इसके बाद परिभाषा है दोस्तों अरस्तु की। देखो इधर अब क्या आता है परिभाषाओं में। देखो जॉन लॉक की मैंने आपको बोला कि आपको क्या याद रखना है, शिक्षा और कृषि। अब रूसो और प्लेटो और अरस्तु में इस तरह के आपको वर्ड। रूसो के अनुसार शिक्षा क्या है, रूसो के अनुसार शिक्षा क्या है, कि जीवन ही शिक्षा है। क्या है दोस्तों, जीवन ही शिक्षा है। इनका ये मानना था कि जीवन ही शिक्षा है, यानी कि आपका जो पूरा जीवन है ना, वही शिक्षा से भरा हुआ है। यानी कि आप शैशवावस्था से लेके जब तक आपकी मृत्यु नहीं आ जाती, यानी कि वृद्धावस्था तक आप सीखते ही सीखते जाते हैं। शिक्षा है तब तक ही चलती रहती है। आपके शिक्षा यानी शैशवावस्था से काम आती है, कब तक, वृद्धावस्था तक काम आती है। ये किसने कहा दोस्तों, रूसो ने। वर्ड क्या रखना है, जीवन, जीवन ही शिक्षा है। किसने कहा, रूसो ने। इसके बाद दोस्तों प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो ने कहा क्या, कि नैतिक शिक्षा, नैतिक गुण का विकास, नैतिक गुणों का विकास क्या है, शिक्षा है। किसके अनुसार दोस्तों, प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ये बताते हैं कि नैतिक गुणों का विकास क्या कहलाता है, इनके अनुसार शिक्षा कहलाती है। नैतिक गुणों का मतलब रहता है दोस्तों, जैसे किसी को अनुशासन सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना, या किसी को कानून की जो जानकारी वो बताना, या फिर समाज में किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से नियम के पालन किया जाता है, एक स्वच्छ जीवन के बारे में जो भी धारणाएं होती है, वो किसके अनुसार थी दोस्तों, प्लेटो के अनुसार था।
जब तक उसके अंदर नैतिक गुण विकास नहीं होगा तब तक वो सीखेगा नहीं, यानी तब तक वो उसके शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, कि जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है कोई, गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, जैसे आपकी तरह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान लो वो चोरी करने लग जाता है, किसी का मर्डर करने लग जाता है, तो कोई शिक्षा का क्या महत्व रह जाएगा वहां पर? इन्होंने यही बताया गया है कि नैतिक गुण जब तक विकास नहीं होगा, नैतिक गुण जब तक आएंगे नहीं अपने अंदर, तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। फिर आप चाहे उसको कलेक्टर बना दो, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद भी अगर वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, या फिर किसी का मर्डर कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा का, उसने क्या सीखा है फिर? ठीक है दोस्तों, आया समझ में प्लेटो के अनुसार? अब बात करते हैं दोस्तों अरस्तु की। किसकी बात करते हैं? अरस्तु की। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि इनके अनुसार क्या है शिक्षा, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि शरीर का मतलब क्या है, कि आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होने चाहिए और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़े हुए हैं, आपका डिप्रेशन में हो और आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह से फिट नहीं हो, तो आप शिक्षा ले ही नहीं सकते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे और शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शिक्षा आप तभी सीख पाएंगे जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, तभी आप मस्तिष्क आपका पूर्णतया काम करेगा और 100% आप किसी चीज को दे पाएंगे। अगर आप एक घंटे में कोई चीज याद नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप मानसिक तौर पर बीमार है या फिर शारीरिक तौर पर बीमार है। आपने जो टारगेट रखा है वो आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका शारीरिक काम नहीं कर रहा है और आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने कही दोस्तों? अरस्तु ने कही है। दो तीन परिभाषा और है, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास खत्म करेंगे अपन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मिटा दे दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको परिभाषाएं, एकदम से याद भी हो रही होगी आपको, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अपने परिभाषाओं में। अभी आगे भी बहुत सारी परिभाषाएं आएगी आपके, बिल्कुल परिभाषा आती जाती रहेंगी, आदत डाल लीजिए इनकी। देखो अब आगे बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी की। फिर बात करते हैं दोस्तों एडम्स की। फिर बात करते हैं दोस्तों क्रो एंड क्रो की। फिर बात करते हैं दोस्तों स्टीफन की। ये इन चार मनोविज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं, चार मनोविज्ञानी की परिभाषा आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा भी हो सकती है। अभी महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को क्या बताया, शिक्षा को क्या बताया महात्मा गांधी ने? कि मन और मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क इसका क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी कि आपका जो मन काम कर रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है, अगर इसका 100% आप पूरा विकास हो चुका है, तो आप क्या है, शिक्षा है। यानी कि तो आप क्या सीख रहे हो, शिक्षा सीख रहे हो। शिक्षा का महत्व तब रह जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार जब आपका सर्वांगीण पूरा विकास हो जाएगा। यानी कि आप शारीरिक तौर पर भी विकास होगा, उससे शारीरिक के बारे में मानसिक तौर पर भी आपका विकास होगा, और समाज के बारे में आप जो भी अच्छी धारणाएं रखेंगे उससे शिक्षा से रिलेटेड होगी, यानी कि शिक्षा उसका प्रभाव डालेगी। तो सर्वांगीण विकास जो आ जाएगा वर्ड आपके, अगर सर्वांगीण विकास वर्ड आ जाता है, तो ये किसकी है दोस्तों? महात्मा गांधी की। किसकी है दोस्तों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है दोस्तों? सर्वांगीण विकास है। इसके अनुसार बात करते हैं दोस्तों एडम्स के अनुसार। एडम्स ने कहा कि शिक्षा क्या है? एडम्स ने कहा शिक्षा द्विध्रुवीय है। क्या है? द्विध्रुवीय। द्विध्रुव में क्या आता है दोस्तों? एक आता है शिक्षक और एक आता है शिक्षार्थी। द्विध्रुवीय किसके अनुसार है दोस्तों? एडम्स के अनुसार। एडम्स ने यह कहा कि अगर शिक्षा आपको ग्रहण करनी है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान आपको सीखना है, तो इसके लिए दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। एक तो शिक्षक जो सिखाएगा और एक शिक्षार्थी जो सीखेगा, यानी कि टीचर और स्टूडेंट।
इसने कहा कि टीचर के माध्यम से शिक्षा सीखी जाएगी और शिक्षार्थी जो सीखेगा वो कौन है, विद्यार्थी होगा। इन दोनों लोगों की जरूरत पड़ेगी तभी आप शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। लेकिन इतने में एक मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं जो एडम्स को गलत बता देते हैं और इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं दोस्तों, उसका नाम है पाठ्यक्रम। और इसको जोड़ने का कार्य करते हैं दोस्तों जॉन डीवी, यानी कि ये अलग परिभाषा आ गई अब। और जॉन डीवी के अनुसार क्या है दोस्तों, त्रिध्रुवीय। जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवीय क्या है, शिक्षा है। इनका ये मानना था कि किसी भी चीज को सीखने के लिए, यानी कि शिक्षा को सीखने के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आप 9th-10th के एग्जाम के पेपर दे रहे हो और आपके सिलेबस रख देता हूं मैं बीएससी वाला या फिर बीए वाला या फिर कॉलेज वाला, तो आप क्या 9th-10th क्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीकों को सेट करता है कौन दोस्तों, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है, सिलेबस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप क्या करेंगे, शिक्षा को ग्रहण कर पाओगे। ये किसने कहा दोस्तों, जॉन डीवी ने। आगे भी बात आएगी तो अपन आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर शिक्षक जो होता है दोस्तों, तो ये निभाता है स्वतंत्र चर की भूमिका, ये परतंत्र चर की भूमिका निभाता है, और पाठ्यक्रम जो है वो क्या, मध्यस्थ चर की भूमिका निभाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में। अब देखो क्रोएन क्रोने का दो व्यक्ति यहाँ है, यहाँ भी दो वर्ड आएंगे। देखो कैसे, इनके अनुसार था कि शेषावस्था से वृद्धावस्था तक सीखना ही क्या है, शिक्षा है। यानी कि बालक शेष अवस्था से सीखता है और तब तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वृद्धावस्था तक सीखता है, यही क्या होती, शिक्षा है। याद कैसे रखना है, क्रोएन क्रो दो है, यहां पर भी दो वर्ड आएंगे, शेष अवस्था और वृद्धावस्था। स्टीफन की बात करें दोस्तों, तो इसने कहा कि क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, शिक्षा है। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब होता है दोस्तों एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि एक नंबर से करना, किसी क्रम बाय क्रम शिक्षा, यानी कि क्रम बाय क्रम सीखते जाना एक सिस्टमेटिक तरीके से। आप किसी भी चीज को, फॉर्मूले को सीखते हो तो उसके नियम सिद्धांत वगैरह आपको जो भी एक सिस्टमेटिक तरीका रहता है वो सेट किया जाना चाहिए, तभी आप शिक्षा ग्रहण कर पाओगे, एक अच्छे ढंग से कर पाओगे। एक तो रहता है कि उलझन तरीके से शिक्षा, कभी क्या पढ़ लिया कभी क्या पढ़ लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे बताते हैं आपको बच्चे टीचर में, आपको टीचर बताते होंगे कि आधे घंटे मैथ्स पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद आधे घंटे साइंस पढ़ना चाहिए, फिर आधे घंटे सामाजिक पढ़ना चाहिए, आधे घंटे बाद फिर अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए सीखने, ऐसे नहीं कि दिन भर गणित ही पढ़ रहे हो तो पूरे जिंदगी भर गणित ही पढ़ते जाओ आप, तो इससे भी क्या होगा दोस्तों, शिक्षा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा, सर्वांगीण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कहा किसने, स्टीफन ने। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई परिभाषाओं की और अभी तक हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों आगे अपन पाठ्यक्रम के बारे में, जो अपने रीट का सिलेबस रहेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर अपनी कौन सी यूनिट शुरू करेंगे, जैसे अपने अभी तक सिलेबस की अकॉर्डिंग चल रहा था, ये भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर कौन सी यूनिट शुरू करें। अगर आप कहते हैं कि सेकंड यूनिट शुरू करो, थर्ड यूनिट शुरू करो या फोर्थ यूनिट शुरू करो, अपन करेंगे शुरुआत दोस्तों बाल मनोविज्ञान की। अगर आप अलग पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।